आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भटट ब्लॉक के पिपरी गांव में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होने वाले प्रदेश के पहले गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह तथा सोनबरसा में गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। तैयारियों में तेजी लाने के दिए निर्देश, देर शाम लखनऊ के लिए हुए रवाना। अंधविश्वास में तांत्रिक संतोष ने की थी 5 वर्षीय मासूम बालक गजेंद्र निषाद की हत्या। एसएसपी ने किया घटना का सनसनीखेज खुलासा। कहा, तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए संतोष निषाद ने दिया था हत्या को अंजाम, भेजा गया जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। सुरक्षा, यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। कहा, कहीं ना होने पाए कोई चूक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 73 केंद्रों पर हुई आयोजित। 80,000 अभ्यर्थियों में से 66,883 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 14,486 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एडीएम फाइनेंस ने कहा, सुचिता के साथ हुई परीक्षा संपन्न, नहीं हुई कोई दिक्कत। गुलरिया थाना क्षेत्र में महिला से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को लूट की मोबाइल, बैग व कपड़े सहित किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व एमएलसी विनोद पांडे ने कहा, कल्याण सिंह ने प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को दी थी दिशा। उनकी प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने राजनीति में किया जीवन आरंभ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और चुनाव कार्य समिति के सदस्य मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि 29 अगस्त को जनपद में मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों का होगा आगमन। सभी वर्ग के लोगों से मैनिफेस्टो पर करेंगे चर्चा। जनपद में 70 टीकाकरण केंद्रों पर मंगलवार को 16,089 लोगों को किया गया कोरोना रोधी टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 13,102 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,987 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। राप्ती नदी के तट पर डूब रहे लोगों की जिंदगी बचाने वाले स्थानीय नागरिक को एक संस्था ने अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। सम्मानित हुए मंगरू ने संस्था के प्रति जताया आभार। गोरखपुर में मंगलवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,392। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 16 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से मिली लोगों को गर्मी और उमस से राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक रुक रुक कर बारिश के है आसार।